हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीचा कंपनी का बैग, जो कि नेपाल का कंपनी है। और इसका फुल डिटेल्स, क्या क्या अच्छा है इसमें, क्या क्या बुरा है, वो सब बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंदर येलो कलर का है और बाहर डार्क ग्रीन है और पीछे बैक ब्लैक कलर है। मतलब ये तीन कलर मिक्स करके बनाया गया है। पर इसमें क्या क्या फीचर है वो अभी हम बताते हैं आप सभी को। इसमें सबसे पहले इधर से फीचर स्टार्ट करते हैं। ये बैग की सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें आप सीक्रेट सामान कोई रख सकते हैं और ऐसे रखकर क्लोज भी ओपन भी कर सकते हैं। और दूसरा फीचर इसमें देखने को ये मिलता है, जो कि दूसरे कुछ बैग में नहीं होता, ये है वो की होल्डर। आप कहीं पे चाबी गुम हो जाता है, इधर उधर रख देते हैं, तो इसलिए ये की होल्डर बनाया गया है कि आपका चाबी गुम ना हो और सुरक्षित रह सके। तो गाइस, इधर हमको चार चैन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला चैन इधर है, जो कि अच्छा है, और इसमें आप पेन मार्कर जो भी है वो रख सकते हैं। और इसको लगा देंगे ऐसे तो आपको किसी को लगेगा भी नहीं, इधर चैन भी है कोई। और इसके बाद एक इधर आ जाता है, जिसमें आप ग्लास और बहुत कुछ रख सकते हो, जो कि सेफ रहेगा। और जैसे कि इधर रखा गया है, और इसमें आपको एक्स्ट्रा ये मिल जाता है। ये क्या है, तो ये चैन में जो ऐसे लगाते हैं ना, ये चैन में जो ऐसा लगाने वाला होता है, वैसे ही सपोज आपका किधर खो गया तो आप ये यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक चैन दिया गया है, उसमें आप किताब भी ऊपर नीचे रख सकते हो। और अंदर जो है, अंदर एक और बॉक्स बनाया गया है, वो बहुत सेफ रहेगा आईपैड रखने के लिए। और जैसे कि देख सकते हो आप सभी, हाँ, ये आईपैड रखने के लिए बनाया गया है। और यदि आप सभी के पास दो आईपैड है, या आप अपने दोस्त का भी आईपैड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इधर एक बनाया गया है आईपैड रखने के लिए, और एक इधर लैपटॉप रखने के लिए। और ये तो आपको पता ही होगा, इसे लैपटॉप ना गिरे इसीलिए ऐसे बनाया गया है। और गाइस, इसमें ये भी बनाया गया है, जैसे कि आप ऐसे बैग लगाते हो तो आपको कंफर्ट हो, इसी के लिए ये बनाया गया है, आपको ज्यादा भारी ना लगे और कंफर्ट हो, इसलिए ये बनाया गया है। और गाइज, आप कभी एयरपोर्ट ट्रेवल पे जाते हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी दिया गया है। एयरपोर्ट ट्रेवल के लिए जाते हो तो ये जो है वो अपना लगेज होता है, तो लगेज के अंदर रखकर और इसको आराम से पोर्टेबल तरीके से इधर उधर ले जा सकते हो। और गाइस, इस बैग का हम अभी दो फीचर आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक फीचर दिया गया है ये, इसका मतलब क्या है, मतलब आपको पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, बाइक आ रही है, तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब लाइट हो जाता है, मतलब पीछे से आता है, तो ये जलने लगती है और आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। और दूसरा फीचर ये है कि इसमें आपको ये ग्लासेस लटकाने का भी दिया जाता है, जैसे कि आप ऐसे लटकाते हो, है ना, जैसे कि बैग आप ऐसे लगाते हो तो आपको ऐसे ग्लास भी लटका सकते हो इधर, उसका उसके लिए दिया गया है ये लगाने के लिए। और ये एकदम वाटरप्रूफ है, ये बैग एकदम वाटरप्रूफ है। और ये मीचा कंपनी के बारे में बता दें तो ये मीचा शब्द नेवारी लैंग्वेज से लिया गया है। मीचा का सब मतलब होता है बैग, तो सस्ते वाले में ऐसा होता है बोतल रखने के लिए, लेकिन इसमें बिल्कुल सा फर्क है। इसमें फर्क क्या है कि इसमें आप रखकर और टाइट करने वाला भी बहुत ही डिजाइनदार है, इसमें ऐसे करके, और इसमें बहुत ही डिजाइनदार तरीके से पानी रखकर आप इधर उधर ट्रेवल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, जैसा ऐसे बैग में होता है, लोकल बैग में ऐसा ही रहता है ना पानी रखने वाला, लेकिन इसमें कुछ खास है, आप देख सकते हो। और
इसका जो चैन है वो भी बहुत ही मजबूत है और सब क्वालिटी बैग का A to Z बहुत ही बढ़िया है। आप सभी को कैसा लगा बैग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अभी इसका प्राइस बता देते हैं, इसका प्राइस है 4,950, जो कि बहुत ही महंगा जैसा लग रहा है मेरे हिसाब से भी। और तो गाइस ये एकदम बढ़िया बैग है, आप सभी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस कुछ ज्यादा है 4,950। तो गाइस प्राइस में कॉम्प्रोमाइज करें तो ये ज्यादा है इसका प्राइस, लेकिन आप सब एफोर्डेबल हो तो आप सब ले सकते हो। ये बैग एकदम नंबर वन है। और जो इसमें के आपको फीचर ये दिखाया जाता है ना, ये फीचर एकदम बवाल है। और आप सभी को कैसा लगा ये बैग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसका कौन सा फीचर अच्छा लगा वो भी लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।